नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आमने सामने के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वकील महिमा कुशवाहा जी। इन्होंने बीएचयू से एलएलबी करने के बाद 1995 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। ये लगातार मजदूरों, अल्पसंख्यकों और दलित कुचले लोगों के लिए ही वकालत करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, आइए आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है महिमा जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आई और क्यों आपको लगा कि मुझे वकालत ही करना चाहिए, जबकि महिलाओं को टीचिंग जॉब या ऐसे जॉब जिसमें ज़्यादा सुविधाजनक होता है वो लोग अपनाते हैं, लेकिन आप वकील ही बनी, ऐसा क्यों? मुझे हमेशा से शुरू से कुछ अलग करने का शौक था और शुरू से मुझे बहुत डिबेट्स करना, मुझे अखबार पढ़ना, मुझे जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो उसमें शुरू में मुझे हमेशा ये था कि हाँ, जर्नलिज्म कर सकते हैं। और पहले बहुत छोटे थे तो डॉक्टर्स, फिर मुझे लगा कि मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे दूसरे सिनेरियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट इंटर करते करते फिर मुझे मतलब हो गया कुछ कि मुझे लगा कि मुझे वकालत प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन था कि जिसमें नॉर्मली लड़कियाँ थी नहीं, और वो प्रोफेशन मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता था कि इसमें ये कुछ अलग करना है जो औरों से अलग हो। और धीरे धीरे एक रास्ता बनता गया, लोगों ने इनकरेज भी काफ़ी किया, हमारे टीचर्स ने भी किया और मेरे मतलब मेरी मदर ने बहुत इनकरेज किया। तो बस हो गया इसमें कि मुझे ये था कि हाँ, या तो जर्नलिज्म करना है और या तो लॉयर बनना है। तो अल्टीमेटली मुझे वैसे लिखने का भी काफ़ी शौक था, मैं पहले लिखा करती थी, ये ना होते तो शायद आज भी मैं आप लोग इतना कुछ लिख रही होती। अच्छा, साहित्य में भी बहुत रुचि थी मेरी। ये तो अभी भी कर सकती हैं। थोड़ा सा समय का बहुत अभाव रहता है इसमें। आप जिस प्रोफेशन में है वकालत के, उसमें पहले महिलाएं बहुत कम आती थी, ऐसा सोचा जाता था कि महिलाओं के लिए टीचिंग जॉब ही अच्छा है, लेकिन आजकल महिलाएं इस प्रोफेशन में बहुत अधिक आ रही हैं। तब उस समय जो महिलाएं थीं और आज जो महिलाएं हैं और उस काम का जो फील्ड है, उसमें क्या अंतर देखती हैं आप? मैंने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया तो उस समय लेडीज़ हम लोग थे, हमारे यहाँ दो एडवोकेट्स जो अच्छी मानी जाती थी, रामो देवी गुप्ता थी अपने समय में और पूनम श्रीवास्तव मैम थी जो बाद में जज बनी। और लड़कियाँ मेरे के जब मैं आई थी तो 10-12 लोग थे, लेकिन हाई कोर्ट में उनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि बहुत अच्छे घरों की लड़कियाँ लोग अपने जो बड़े एडवोकेट्स होते थे या जजेस होते थे, वो अपनी लड़कियों को इस प्रोफेशन में नहीं लाते थे। और जब हम लोग गए तो कहते रहे, अरे आप जाके जुडिशरी कर लो, ये कर लो, इसमें क्यों आए हो। खैर, उससे हम लोग थोड़ा उभरे तो वहाँ पे जो कई बार उन लोगों को ये लगता था कि ये आई कैसे प्रोफेशन में। और भाई जो सीनियर जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो बड़े बड़े वकील, वी सिंह जो बाद में समाजवादी पार्टी से चुनाव में भी लड़े थे, राज्यसभा के मेंबर रहे थे, कह रहे अरे ये छोटे छोटे लोग, ये लोग तो कब आएंगे और बस सब कैसे, ये लोग कैसे खड़े होंगे कोर्ट में। और इसके बाद आप बिलीव करिएगा कि उनके 6 महीने बाद ही, 7 महीने बाद मैंने उन्हीं के खिलाफ केस लड़ा और वो हारे उस केस में। उसके बाद से उनका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। अच्छा, और अभी भी जैसे पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें महिलाओं को बाहर निकलकर काम करने की आज़ादी उस तरीके की नहीं, हालांकि महिलाएं बहुत सारी आई हैं बाहर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जब वो काम के अपने फील्ड में जाती हैं तो वहाँ उनको दबाया जाता है या उनको इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाएं। तो आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पुरुषों का क्या रवैया है, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत बोलना और बहुत बोल्ड के साथ, बोल्डनेस के साथ काम करना होता है। ऐसे केस आते हैं बहुत सारे जिसमें जो प्रश्न उत्तर होते हैं या जो जज के सामने जब जिरह करनी होती है, तो उस समय पुरुषों का क्या रवैया होता है? देखिए, हाई कोर्ट के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा, तब से जब से हम मैंने ज्वाइन किया आज की तारीख में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वहाँ पे अब लड़कियाँ जितने आराम से, जितने अच्छे से काम, उनके लिए अब जितनी लिबर्टी है काम करने की, वो पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों में जितने अच्छा माहौल हुआ है वो पहले नहीं था। लेकिन नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज भी बहुत दिक्कत है, नीचे जो लड़कियां काम करती, बिकॉज उनको ओरिजिनल लेवल पे काम करना पड़ता है। तो आप पहले, हम लोग जब क्रिमिनल साइड में काम करते थे तो अरे ये लड़की है, इसने ये बोल दिया, अगर हम लोग रेप के केसेस में खड़े हो तो अरे बताओ, इससे तो उम्मीद नहीं कि ये बात भी बोल सकती हैं। हम उनके प्रोटेक्शन के लिए हम वो क्या लाइन बोलेंगे ये आप डिसाइड करोगे। तो वो नीचे प्रॉब्लम आज भी है, जब वो करती हैं लड़कियां करके निकलती हैं तो उन पे कमेंट पास होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में इस मामले में बहुत पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आज की तारीख में बहुत कम्फर्टेबल हो गया है। आप किस तरीके के मुकदमे ज़्यादा लड़ती हैं? मैं फिलहाल जो है कि
मैं नॉर्मली सर्विस मैटर्स करती हूँ, पहले मेरे लेबर मैटर्स में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, रिवेन्यू भी, आजकल मैं क्रिमिनल की फील्ड में उतर गई हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिनके मुकदमे नॉर्मली कोई नहीं लड़ता था, तो उन लोगों ने आके मुझसे कई बार, तो बहुत जो गरीब लोग थे उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, शुरुआत वहाँ से हुई, और अब मैं क्रिमिनल अपील वगैरह इन सब चीज़ों में काफ़ी काम करती हूँ। तो उसका कोई ऐसा एक आध केस जो आपको याद हो कि जिनके लिए आप लड़ी और जीती, या जो उस तरीके का महिला या जो जो भी, यानी फिर से पूछ रही हूँ, जो याचिकाकर्ता आए थे उनका कोई ऐसा मुकदमा जो अभी भी आपको याद है? हम लोग जब, आपको पता है 1996 में यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था मंडी परिषद में, अचानक से इन्होंने बहुत बड़े हजारों एम्प्लॉयज निकाल दिए थे, और उसमें ये कहते हुए कि जो जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने सारे, मतलब उन्होंने कैसे गलती रख लिया था, उन्होंने कैसे इन लोगों, तो ये जितने गरीब लोग जो एम्प्लॉय हुए थे, जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने पैसा लेके रख लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, इन सारे लोगों के खिलाफ इन सबको अचानक से सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। वो एम्प्लॉयज आए, उनकी सारी 150 से सारी पिटिशंस खारिज होने लगी। उसके बाद हम लोग गए और हम लोग ने कहा कि ठीक है, एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि आप आके रख, अरे बताइए ये गलत तरीके से रखे गए। हमने कोर्ट से कहा सारी लीगल चीज़ें एक तरफ, आप ये बताइए जो गलत तरीके से, अगर हमको कहीं पता चलता है कि वहाँ पे भर्ती हो रही है, अगर यहाँ वहाँ पे पेड़ मिल रहा है और वहाँ से हमको रोटी मिलनी है, तो हम क्या पहले ये देखेंगे कि हम जाके अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कि आप हमको लीगली एम्प्लॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या एक छोटे से क्लास 4 के लिए जो एम्प्लॉय काम करने गया है वहाँ से नौकरी में, वो अपने एम्प्लॉयर से ये पूछेगा कि आपके पास लीगल अथॉरिटी है कि नहीं है, आपने सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं कि नहीं, क्या वो पूछेगा उनसे? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और एक आदमी ने जब इतने साल काम कर लिया है, आपके यहाँ राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में उसका राइट है, तो अगर उसको खिलाना उसकी जिम्मेदारी है कि जब उसका लेवलीहुड जो चल रहा है, अगर उसकी कोई गलती नहीं है, वो काम सफिशियंटली ठीक से कर रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको एम्प्लॉयमेंट दे, ना कि छीने। और तब ये हमने कहा जो अधिकार कार्यवाही करनी है, जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्यवाही की, रुकेगा वहां से, आप इनको निकाल देंगे कुछ नहीं, पीछे हजारों लोग ऐसे भूखे नंगे खड़े हैं जो फिर आएंगे और फिर आपको उनको एम्प्लॉयमेंट, और फिर वो गलत तरीके से आपका अधिकारी उनको एम्प्लॉयमेंट, और फिर उनको निकालेंगे। तो जो करता है, जो गलत कर रहा है, आप अटैक उस पर करिए, ना कि जो उसका विक्टिम है उस पर। कोर्ट को अपील की, 150 पिटीशन खारिज होने के बाद हमारी पिटीशन अलाउ हुई, और कोर्ट ने, उसने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी, और उसके परसुएंस में उसके बाद रेगुलर सारी पिटीशंस अलाउ हुई, और काफ़ी इन्होंने उस परसुएंस से 5-6 साल तक काम किया, लेकिन दुर्भाग्य था सुप्रीम कोर्ट से उनको फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, अब स्टेट के अगेंस्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में दे दिया जजमेंट, तो उसमें फिर अपील, तो वो एक, मतलब एक होता है ना कि बड़े गिरे हुए एम्प्लॉयज और उनको अचानक से एक उम्मीद दिखना, वो एक उनकी आंखों में, मतलब होता है ना कितने घरों में अचानक से होगी तो उनकी आंखों में एक आंसू और एक कहने की उम्मीद, और उनको मतलब, और वो सारे बड़े बड़े एडवोकेट्स को छोड़ के हमारे पास आए थे, उनकी सारी एक उम्मीद जग गई थी, और अच्छा लगा था काफी। अच्छा, उसमें और एक और मैं कहूंगी कि स्पेशली मेरा जब क्रिमिनल में मैंने कैसा शुरू किया, मेरे पास एक बच्चा आया था, और उसने, मेरे एक मामा रखते हैं, उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, बड़ा परेशान है, मुझे पता है तुम्हारी फीस ज़्यादा है, लेकिन उसको देख लेना। मैंने कहा भेज दो उसको। तो उसने आया और उसने कहने लगा कि हमारे यहाँ कि एक किसी का मर्डर हो गया, और हमारे, चूंकि मेरे फादर जो हैं वो बोल नहीं सकते, तो मेरी मदर और हम सब लोग को फंसा दिया गया उसमें। तो और वो, आप बिलीव करिए, वो सारे सब लोग जेल में, कोई छुड़ाने वाला नहीं, तो बच्चा जो था वो जुवेनाइल में था, तो उसको किसी तरह से करके उसको बेल मिल गई, और वो छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से उस समय 14-15 साल का था, और उस समय वो आके कभी सब्जी बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो किसी पुलिस वाले से, किसी नीचे से सब बेल खारिज होती थी। जब मैंने उसका पेपर देखा तो मैं उसको देखने लगी, तो मुझे लगा कि यार ये केस इतना बड़ा अच्छा केस है, अब आप इसलिए तो केस अच्छा होने से आप नहीं निकलते, आपका वकील कितना अच्छा है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और नीचे से उसको सजा जो हुई, वो मुझे साफ साफ लगा कि इसको सजा नहीं हो सकती थी, और वो छोटा सा बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, और मुझे समझ नहीं आया। मुझे एक बार, वैसे होता तो मैं नहीं लेती क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी को नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वो जेल में, वो मतलब ऐसे केस में 2.5 साल से जेल में थे जिसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया, और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, शायद उसमें दिल से ज़्यादा मैंने मेहनत की थी, और उसमें सबके सबको तुरंत की तुरंत जमानत हुई वहाँ से, और हमने दिखाया
तो उस बच्चे को मैंने पहली बार देखा, और वो बच्चा मैं जाएगा, मैं आपकी पूरी फीस दे दूंगा, मैंने 3,000 रुपीज कलेक्ट किए हैं। और आप देखिएगा उस समय आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस बच्चे को देख के। तो मैंने कहा बेटा मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, उसके खानदान के कोई लोग उस समय उसके साथ नहीं थे। तो वो बच्चा आज भी, उसकी शादी हो गई, आज भी आता है, पैर छुएगा, सब करेगा, वो करेगा। तो लेकिन मैंने सच बताओ एक इमोशनल मूवमेंट के साथ उसको जब भी देखती हूँ मुझे अपना बच्चा लगता है, मेरे बच्चों के बराबर ही था उस समय वो। तो मैंने देखा उस बच्चे, पता एक छोटा सा बच्चा, सोचिए 11-12 साल का, वो उस बीच में उसका एक छोटा भाई था वो गायब हो गया। तो वो स्ट्रगल करके, उसने स्ट्रगल करके अपने माँ बाप के लिए केस लड़ा और उसको जितवाया। तो मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए शायद लड़ना चाहिए। और जब मैं कोर्ट में खड़ी हुई इस लाइन में, तो मुझे लगा कि अरे मुझे लगता है कि ये तो बहुत ऐसे ऐसे लोग खड़े जिनको बिल्कुल नहीं आता। तो इसके बाद मैंने क्रिमिनल में काम करना शुरू किया और आज की तारीख में मेरे पास इसमें बहुत अच्छे मैटर्स हैं और हम उन लोग के लिए काम कर पाते हैं जिनके लिए एडवोकेट्स नहीं मिलते हैं। ये केस अच्छा होना क्या होता, जैसे आप अभी बोली कि बहुत अच्छा केस था वो, इसका क्या मतलब हुआ? केस होता है कि आप घुस के उसमें देख सको कि आदमी, उसके अगेंस्ट एविडेंस कितने हैं। अच्छा, मेनली आपके, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। पुलिस कैसे किसी के खिलाफ केस अचानक खराब कर सकती है? आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े केसेस में वो केस ऊपर छूट जाते हैं, अब न्यायालय को दोष देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि नीचे सारा केस पुलिस ने खराब किया होता है। पुलिस केस खराब करते हैं, हालांकि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जहां पे उसको गड़बड़ दिखे उसको तुरंत रिमांड करें। तो ये होता क्यों नहीं है? लेकिन ये करती नहीं है कोर्ट्स, कि आप ये थोड़ी ना कि इंस्पेक्टर साहब के ऊपर पूरी न्याय व्यवस्था नहीं टिकी रह सकती, कि इंस्पेक्टर साहब चाहेंगे तो न्याय मिलेगा, इंस्पेक्टर साहब चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये ट्रायल कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, और ट्रायल कोर्ट को कई कई बार हाई कोर्ट ने अब कहा है कि ट्रायल कोर्ट को उसकी जिम्मेदारी देखनी चाहिए कि जहां भी इसको लगता है कि यहां पे ये ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है उसको तुरंत वापस करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी आपने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों को जो न्यायिक प्रोसीजर होता है उसकी जानकारी नहीं होती है, तो आप जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, मजदूर हैं, आप उनके लिए काम करती हैं, तो उनको किस तरीके से इस बात का, इसके लिए अवगत कराती हैं, उनकी जानकारी देती हैं और उनके लिए केस लड़ती हैं? पहले तो लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मली फ़ोन करते रहते थे और बात होती रहती थी, मतलब उनको हम लोग ऐसे, लेकिन धीरे धीरे जब हम, मुझे ह्यूमन राइट्स में जब एम्प्लॉय किया तो उनका, मैंने उनसे पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीन पे जो हमारे सोशल वर्कर्स काम करते हैं या एडवोकेट्स बहुत सारे काम करते हैं उनको लीगल प्रोविजंस पता है, तो वो आपसे पूछेंगे, आप उनको बताइएगा, आपको इतनी हेल्प, और जब हाई कोर्ट तक आएगा तो आपको वो देखना है। मैंने, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अगर हम एक आदमी को एक बात बता रहे हैं तो फिर वो दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी यूट्यूब पे वीडियो बना के पर्टिकुलर चीज़ों पे डालने की कोशिश, हमने कहा कि इस पे डालने की शुरुआत की जाए, अगर लोगों का एक्सेप्टेंस कैसा है उस पे, तो वो हमने एक शुरुआत की कि इसके बाद लोग कितना अच्छा उसको समझ पा रहे हैं। अब हमने उसको थोड़ा सा रोका क्योंकि हमें लगता है कि उसको, हमें एक, अभी तक हम लोग उसको ना कानून की भाषा में समझा रहे थे, लेकिन अब मुझे खुद को ट्रेड करना है कि मैं उसको एक आम जनजन की भाषा, हाँ, आम लोगों की भाषा में समझाऊं ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा गैप दिया है क्योंकि मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं उस कानून की चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में कैसे समझाऊं, तो अभी उस पर काम कर रही हूँ। अच्छा, और महिलाएं जो आपके पास आती हैं, कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनके पारिवारिक कोई मुद्दे होते हैं, या रेप हो जाता तो उनके परिवार वाले थे, तो उनको, उन केसों को आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? अगर हम देखें पहले मैट्रिमोनियल मैटर्स में देखें, वो बहुत बड़ा, हमारे यहाँ क्रिमिनल मैटर में मैट्रिमोनियल इश्यूज का बहुत बड़ा रेशियो है, तो उसमें मतलब कोर्ट्स की भी पॉलिसी होती है कि नॉर्मली, और हमारे पास प्राइवेट आता तो हम पहले ही शुरू में हम लोग खुद भी मीडिएशन करने की कोशिश करते हैं कि मीडिएशन के थ्रू केस, इसके पहले आप केस में जाएं, आप मीडिएशन के थ्रू निपटा लें, और 50% मामलों में सक्सेस भी हो जाते हैं, और 50% जो जाते हैं वो, कोर्ट्स का भी ये रवैया होता है कि उसमें वो मीडिएशन में भेजते हैं, और मीडिएशन में उनका ये कहना है कि या तो आप साथ में रह लीजिए और अगर नहीं रह सकते तो आप अलग हो जाइए, मुकदमेबाजी में लाइफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, तो हम लोग को उनको इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। और अलावा अगर रेप विक्टिम है, या आजकल एक और प्रॉब्लम आ रही है लिव इन रिलेशनशिप में, वो लोग बहुत बात करते हैं कि आप रह रहे हो और इसके बाद अचानक से एक पार्टी छोड़ के भाग जाती है, और तो उसमें एक लड़कियों का भी मेरे पास आया, कुछ दिल्ली में बहुत अच्छी पोस्ट पे मतलब काम कर रही हैं, और वो लोग कर रही हैं इसके, तो उनको एक तरीके से पहले एक मेंटल सपोर्ट देना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उनको पहले कैसे मेंटल सपोर्ट दिया जाए। दो तरह के लोग आते हैं, या तो बिल्कुल होते हैं बिल्कुल एकदम डिप्रेस होते हैं, और या तो जो बहुत एग्रेसिव होते हैं,
तो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है कि आप बहुत एग्रेसिव होंगे, जरूरत से ज्यादा एलिगेशन, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि देखिए ऐसा ना हो कि वुमेन बहुत ज्यादा हो जाए तो एक आप गलत तरीके से सामने वाले को फंसाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी उनको ये समझाना कि सामने वाले को फंसाने की कोशिश ना करें, आप अपने लिए न्याय की कोशिश करें। तो इस तरीके से उनको एक तरीके से काउंसलिंग करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग किसी को फंसाने के लिए या किसी को, मतलब जो लॉज बने ना वो किसी को हरेस करने के लिए नहीं बने, वो आपके न्याय के लिए बने। तो उनकी इस तरीके से भी काउंसलिंग होती है कि बहुत डिप्रेस हो, डिप्रेस नहीं हो ये मिलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप ये समझिए किसी को फंसाने के लिए नहीं है कानून। कानून जो है आपको सिर्फ जो है न्याय दिलाने के लिए। तो फंसाइए, अक्सर ये सुना जाता है कि लोगों का पाला कचहरी या अस्पताल से ना पड़े, अगर कोई कचहरी चला गया तो उसका लंबे समय तक केस पेंडिंग रहता है या तारीख पे तारीख पड़ती जाती है, ये ऐसा क्यों होता है कि लंबे केस बहुत लंबे समय तक चलता है, आदमी टूट जाता है, या लोग इसीलिए बचते हैं कि 15 साल 20 साल बाद यदि न्याय मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसका क्या कारण होता है कि लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं? दो चीज़ें हैं, पहली तो जो न्याय की पहली प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी धीमे चलती भी थी, वकील साहब आते हैं ले लेते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी वजह है वो है सरकार। आपके यहाँ कितने परसेंट केसेस पे, एक तो आप जानते हो कि 1000 जो जरूरी 1000 केस जाने चाहिए उसमें से मुश्किल से आपके 50 केस भी नहीं जाते, हमारे यहाँ बहुत लीगल आदमी डरता है, उसके बावजूद आपका जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास जजेस जो हैं आपके, वो इतने कम हैं कि वो आप एक केस का नंबर, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन इस समय आपके पास जितने हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा की ज़रूरत है, और कोई सरकारें बहुत ज़्यादा चाहती नहीं है कि आपका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी जो लिटिगेंट होती है वो सरकार होती है, तो जब सरकार के अगेंस्ट जजमेंट शुरू हो जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी कोई भी सरकार, और उसमें बहुत सारे मुकदमे, तो सरकार इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, जिस दिन सरकार, अगर आप, मैं आपसे गारंटी बताती हूँ, सरकार अगर पूरे जुडिशियल सिस्टम में जितनी ज़रूरत है, अगर ये नीचे की कोर्ट्स को 5 टाइम्स बढ़ाने की ज़रूरत है, हाई कोर्ट में 160 की स्ट्रेंथ है, आज तक वहाँ पे 102 से ज़्यादा जजेस कभी नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? हाई कोर्ट में सालों से मुकदमे आप चिल्लाते ज़रूर हैं कि हाई कोर्ट में इतने साल से पेंडिंग है, इतने साल से इतनी अपीलें पेंडिंग है, आपने 160 की स्ट्रेंथ पिछले 20 सालों से है, कभी 160 की स्ट्रेंथ क्यों नहीं पूरी की आपने? आपने नीचे क्यों नहीं, आपने नीचे की वैकेंसीज क्यों नहीं फिलअप की पूरी? तो आप वैकेंसीज देखिए, ये सबसे बड़ा गेम होता है, वैकेंसीज ही ना, और आज से नहीं चल रहा है, तब से चल रहा है, इंदिरा गांधी जी के जमाने से चल रहा है, जब उनके अगेंस्ट जजमेंट आना शुरू हो गए थे, तब तब जो पूरे एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझ में आया कि जुडिशरी को हम कैसे काबू में रखें, तो सबसे बड़ी उनके हाथ में एक ही चीज थी, वैकेंसी फिलअप करना, होने दो, तो वैकेंसी फिलअप नहीं होने गए, वैकेंसी फिलअप नहीं होगी तो काम ऐसे ही धीमा रहेगा कि जिस केस में चाहेंगे हम दबा के डेट लगाते जाएंगे। तो इसके ऐसा नहीं है, जजेस काम बहुत करते हैं, अब तैयारी भी हो रही है कि हम आपको एडजर्नमेंट नहीं देंगे, उस चक्कर में कई बार जानते क्या होता है, नीचे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया आपने, अब वहां पे क्या होता है कि उनको जल्दी, अरे जल्दी निपटाना है, वकील साहब हो गया, लो जल्दी से क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आज गवाही हुई कल क्रॉस एग्जामिन करेंगे, जानते ये एक जो बहुत हड़बड़ी वाला केस होता है वो भी बहुत खराब होता है, वो दे के गया है, अगर किसी पर कोई दे के गया है उसमें अगर अपनी गवाही, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए हमको एटलीस्ट 3-4 दिन का समय चाहिए, हम सोचेंगे कि बहुत दिमाग लगाएंगे, हम हड़बड़ी में जो वकील करेगा ना तो वो कभी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं कि एक केस में, एक मतलब किसी भी एक कोर्ट में आपने ढेर सारे केस डाल दिए और दौड़ा दौड़ा के काम करा लिया, तो ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ये हरेसमेंट ही है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि कोर्ट्स बढ़ाई जाए। दूसरी बात, कोर्ट्स में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखिए, जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, अगर आप अगर आप सबका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मेरा सोचने का, वो कितना भी सोचे कि वो मेरे बारे में न्याय कर सकते हैं, लेकिन मेरे सोचने का व्यू अलग हो सकता है, मैं अपनी बात कैसे रखूंगी, तो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, नंबर एक बहुत बड़ा होना जरूरी है, जेंडर इक्वेलिटी बहुत जरूरी है, इन सबके बिना जुडिशियल सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, तो वहाँ किस तरीके के केस जाते हैं और कितने दिनों में उसको पूरा करना होता है और वो क्यों ज़रूरी है? नॉर्मली फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है कि रेप विक्टिम्स वगैरह के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं, कोई स्पेशल मामला आता है, अभी तो उन्होंने MP MLA के लिए भी कह दिया कि इनके स्पेशल कोर्ट में जल्दी है, लेकिन नॉर्मली जो होता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए गए हैं, ये बहुत कोई बड़ा जघन्य हत्याकांड हो जाता है उसको भेज दिया जाता है, और रेप विक्टिम्स के लिए अब वो केसेस ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, SC ST Act के केसेस भी जाते हैं वहाँ पे, तो
मतलब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस ज्यादातर फास्ट ट्रैक हो, तो क्या वहां पर न्याय की पूरी उम्मीद होती है या केस पूरे यानी फेयर उसमें लड़ा जाता है, ये जो उसका डिसीजन आता है वो पूरा सही होता है? नहीं, फेयर क्या, ये तो डिपेंड करता है कि आपके, देखिए आपके पास कैसा वकील है, है ना, वकील आपका पास कैसे, मतलब आपके, आपने देखा होगा कि हम कितने अच्छे वकील, हम अपनी बात को, मैंने कहा ना कि वकालत में सिर्फ ये नहीं होता पर केस मेरिट पे कितना अच्छा है, आपकी बातों को रखा कितने अच्छे से गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नीचे से जो है कि पुलिस ने केस को कितना गोड़ा है और जज कितना सेंसिटिव है, इन सब चीज़ों को मिला के एक डिसीजन और जजमेंट में ये फर्क होता है। अच्छा, हाँ, और ये डिसीजन तो बहुत आते हैं, जजमेंट कितने होते हैं, ये जजमेंट की क्वालिटी जब आप पढ़ते हैं और जब आप विक्टिम से बात करते हैं तब पता चलता है। ये भी कहा जाता है कि वकीलों को झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है अपने केस के बचाव के लिए, तो क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने क्लाइंट्स की बातों को कैसे, आप देखिए मैं आपकी बातों को कैसे पहुंचाती हूँ, देखिए जब आप आते हैं, बिल्कुल झूठ बोलना कहाँ होता है, जब हमारे पास ना आता है, जब आदमी मर्डर करके आता है तो वो पहले हमको खूब पैसा देके जाता है, तो हम तब हमको उसको समझाते हैं, हम उसको कैसे समझाएं कि वहाँ पे तो हम करेंगे ही करेंगे। दिक्कत क्या होती है कि जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके केस में झूठ बोल के उनको डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग जिनके केस लड़ते हैं वो बड़े आम टाइप के लोग होते हैं, उनका केस हम सही से रिप्रेजेंट करते हैं वही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो बहुत बड़े वकील होते हैं उनके साथ वो जाहिर है बिना झूठ बोले तो नीचे से ही झूठ हो जाता है ना पूरा सब चीज, नीचे से जो पुलिस पहले वो करके सबसे पहले थाने में जाके पैसा देके आते हैं, वहां से शुरू होता है वो सारा सिस्टम। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, यानी जब आपका केस वहीं से कमजोर हो जाएगा या वहीं से पैसे की लेन देन की शुरुआत हो जाएगी तो केस सही तरीके से जब पहुंचेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कैसे हम, यही होता है ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू होती है, उसमें हमारे कहां से राइट्स होते हैं, आपका क्या रोल होता है कि पुलिस का जो इस तरीके से लेन देन हो रहा है या केस को कमजोर करने की जो साजिश वहां होती है उसको किस तरीके से आप लोग रोक सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है? अब देखिए ये सारे प्रावधान पुलिस को कोई जब घुस दिया जाता है ना तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कह रहा है कि भाई किसकी किसकी संपत्ति कहाँ जा रही है, ये तो सरकार को देखना होता है, है तो फिर केस जैसा आया आप हाँ, तो उस हिसाब से लड़ेंगे हाँ, तो हो सकता है कि जिसने याचिका की है उसको न्याय मिले या ना मिले, ऐसा नहीं, भी हो नीचे सकता है? कई बार इस तरह होता है ना, चार्जशीट लेवल पे किसका नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया तो इसके अगेंस्ट आपके पास जो है कि हाँ है कि आप जा सकते हो, उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होती है, वो सब मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना यही सब चीजें चीजों को लंबा बना देती हैं, और आदमी जब इतनी सारी चीजें करेगा ना, चार्जशीट पहले हम जाए प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें फिर ये करें, इन सारी चीजों में आदमी थक जाता है। अच्छा, अभी जाति जनगणना का मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है, इलेक्शन भी आने वाला है, पहले तो सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना कराई जाएगी लेकिन अभी उसने सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया है कि जाति जनगणना नहीं होगी, और इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है जाति जनगणना पर? जातीय जनगणना देखिए कोई भी सरकार नहीं कराना चाहेगी, ये सरकार के लिए भी, सरकार अपने ऊपर जानबूझ के कोई मतलब लेना नहीं चाहती अभी सरकार, सर जातीय जनगणना कराने से ना बहुत सारे मुद्दे उखड़े। देखिए अभी भी आप ये मान लीजिए कि समाज में कुछ ही वर्गों के जो एक होता है ना रिसोर्सेस पे कुछ ही वर्गों का कब्जा है, अब ये जिस दिन आप जातीय जनगणना करा देंगे, अभी तो ये मान के चलते हैं जिस दिन आप कराना शुरू कर देंगे जातीय जनगणना को, लोग आरक्षण से जोड़ के ना एक उसकी दो फाड़ कर दे रहे हैं। जातीय जनगणना सिर्फ आरक्षण के लिए जरूरी नहीं है, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि किस पर्टिकुलर कौन सी कम्युनिटी कौन सा क्लास कितना है नंबर्स में, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास डिप्राइव्ड है, हमको उसके लिए कितना वर्क करने की ज़रूरत है, किसके पास एजुकेशन कम है, कौन हायर एजुकेशन किसके पास कम है, कौन उसमें ज़्यादा है, किसको हम आगे कर सकते हैं, कौन कृषि क्षेत्र में ज़्यादा है, कौन, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पॉलिसी है जब हम बनाएंगे ना कि ये पर्टिकुलर क्लास इस पर काम कर रहा है, और फिर भी जैसे सपोज कृषि है, हमने देखा कि ये कास्ट कृषि पे बहुत काम कर रही है लेकिन फिर भी उसकी स्थिति खराब है, तो हम पर्टिकुलर उस पर फोकस करेंगे कि इस एरिया में इस कास्ट के लोग काम कर रहे हैं तो उनको आप कैसे वैज्ञानिक विधि से कैसे हम उनको सिखाएं उस, और उनकी वो कैसे उस कृषि में अच्छा पैदावार पैदा कर सकें, उसी अलावा कि किस क्षेत्र में जो है किनके बच्चे सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन से पीछे, हम उनको हायर एजुकेशन में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस एरिया में हम नए कॉलेज खुलवाएं या क्या करें, मतलब ये सारी पॉलिसी। और आरक्षण की बात, अब उसको ना आरक्षण से आपने सीधे जोड़ दिया है कि जैसे ही जाति जनगणना आ जाएगी उस वाले को आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण क्या है भाई, आरक्षण क्या है, आरक्षण ये है कि आपने पर्टिकुलर एक क्लास है, आपने जब कोई चीज़ बटने लगी, कोई चीज़ कहते हैं ना कि हम कोई सामान लाएं और आपने कहा कि इसमें बांट दो, तो चूंकि आप लाए हो
आपके पास राइट है तो आप क्या करते हो, पहले आधा काट के आपने रख लिया, फिर आधे में आपने बांटना, फिर जो आपका फ्रेंड है आपने उसको थोड़ा बड़ा पोर्शन दे दिया, फिर और जो है आपने आपने थोड़ा सा उसको दे दिया, लास्ट में जो बच्चे खुचे जो थोड़ा थोड़ा मिल गया, इसके बाद खत्म। तो आप ये बताइए कि आरक्षण अन्याय है या ये अन्याय है? अगर आपने ये व्यवस्था या तो ये कह दिया जाए कि जो लाया है उसको सबसे लास्ट में मिलेगा, तब तो वो सही करेगा। और जितने आपने देखा जितने हायर लेवल पे जहां डिस्क्रिशनरी होता है ना अपॉइंटमेंट, मोस्टली शायद हर पोस्ट पे डिस्क्रिशनरी अपॉइंटमेंट होते हैं, वो सब इसी तरीके से होते हैं, उसमें कोई भी मेरिट नहीं होती। मेरिट का मतलब ही नहीं समझ में आता। मेरिट क्या होती है? मेरिट ये होती है कि आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आपने मुझे अपने इंस्टीट्यूट में रख लिया, हम कुछ दिन बाद थोड़ा सा भाई इतना तो पहले टैलेंट सब में होता है, चार दिन वही काम करेंगे उसको हम करने लगेंगे, इसके बाद आप चार लोग हमको जानने लगेंगे, हम अपने एक अच्छा से टैलेंटेड आदमी रख लिया, उसके लेख अपने नाम से छापना शुरू कर दिए, हम ऐसे पॉपुलर हो गए कुछ दिन में हम सीख गए। तो ये आपने हमको आपने मुझे सबको मौका दिया होता है, देखिए जब सबको मौका दीजिए इसके बाद आप देखिए कि वो कौन आगे निकला। लेकिन क्या है कि वही मैंने कहा ना कि जिसके पास चीज है वो अपने तरीके से बंटवारा करता है। आरक्षण की जरूरत इसलिए है, या तो आप सबसे लास्ट में लीजिए, तो आरक्षण की बात ही मतलब मैंने कहा ना इस चीज को आप आरक्षण, जाति जनगणना के मुद्दे पर महिलाओं को बोलना बहुत जरूरी है, किस जाति की महिलाएं पीछे हैं, किस जाति की महिलाओं का कहां पर ग्राम पंचायत में कितना प्रतिनिधित्व है, किस जाति की महिलाओं का सरकार के किस क्षेत्र में कितना प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं कि दूसरी जाति की महिलाएं कम है, जब आपने ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व किया था तो बड़ा बवाल मचा था कि अरे उनके तो हस्बैंड चलाएंगे, उनके वो चलाएंगे, और कुछ हद तक कुछ दूर तक चलाया, लेकिन आपने देखा अभी भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन आप जानते हैं फर्स्ट जनरेशन की जब वो महिला बनती है उसका हस्बैंड चलाएगा अभी ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो आया, उसने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसको लगा कि मेरी बेटी आगे चल के बनेगी तो वो खुद करेगी, उसको एक आके उसको डीएम के सामने खुद बैठना था, उसको अधिकारी आया, तो कहीं ना कहीं तो देखिए उसकी पर्सनालिटी बदली ना, कुछ सालों बाद उसका फर्क आया, वो नहीं आया लेकिन उसके बच्चे बदल गए, है ना। उसके आप देखिएगा आज बहुत सारी लड़कियों को उस समय इंडिपेंडेंस लिखी, लेकिन धीरे धीरे जो फर्स्ट जनरेशन आ रही है उसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ते जा रहे हैं वो चीज कम होती जा रही है। तो आपको कुछ भी करने के लिए ना एक प्रोसेस, जिसको आप इतने सालों तक आपने दबाया, आप अचानक से उम्मीद करते कि हम उसको दे दें वो दौड़ जाए, कैसे पॉसिबल है आप बताइए। हम इतनी देर से तो आपने मेरा पैर बांध के रखा रहा, और मैं आप जब इतने एक साल बाद आपने खोला और आप चाहते कि मैं दौड़ूं, मेरा पैर जाम नहीं हो गया, मुझे उसको दौड़ने के लिए मुझे साल भर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी, मैं उनके साथ नहीं दौड़ पाऊंगी, मुझे दौड़ना मुझे एक्सरसाइज करनी पड़े। तो अभी आपने देखो किया था बराबर का, लेकिन वो तो दौड़े ही नहीं, आपने ये नहीं सोचा मुझे आपने इतने सालों से पैर बांध के रखा था, मेरे पैरों में सूजन आ गई है, मैं नहीं दौड़ सकती अभी, एक साल बाद आप मुझसे कॉम्पीट करिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको जिसको आप कहते हो ना उनको आरक्षण दिया वो तो कर ही नहीं पाए, आपने उनको इतने सालों तक दबाया, उनको आप मौका नहीं देंगे इतने समय के लिए अब वो अपने पैरों की सूजन को ठीक कर पाए, इसके बाद दौड़ पाए, इसके बाद आप उनसे कॉम्पीट करें। आप ये देखिए कि जिस जनरेशन को मिला आज 10-20 साल बाद उनके बच्चे कहाँ से कहाँ निकल गए, है ना। तो ऐसा नहीं आरक्षण के फायदे से ही जो ये बैकवर्ड क्लास है जो शेड्यूल्ड क्लास है वो एक जनरेशन ने जरूर वो किया होगा कि आपको लगा होगा, लेकिन दूसरी जनरेशन उसकी कहां से अगर वो पहुंच गई तो उसमें आरक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है, अगर वो एक मेन जो वो मेन स्ट्रीम में क्लास आया है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस, आज भी हम लोग आदिवासियों को कुछ नहीं समझ, उनको आज तक नहीं मिला है कुछ भी, हम कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है उन्हें। अच्छा अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा था उसमें सभी तरीके के इंस्टीट्यूट बंद थे, कुछ समय बाद कोर्ट खुला और उसमें ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई हो रही थी उसी तरीके से ऑनलाइन केसेस सॉल्व किए गए या लड़े गए, तो उस समय का जो सिचुएशन था और आप लोग जो मैनुअल करते थे उसमें क्या अंतर दिखाई दिया, और कौन कौन सी दिक्कतें आई आप यानी जो वकील है उनको या जो पिटीशन करता है उनको? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोर्ट की बहुत सारी चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इतना बड़ा टेक्निकल प्रोसेस होता है, तो फाइलिंग कैसे हो, हाई कोर्ट के पास स्टाफ ही नहीं है इतना ट्रेंड कि वो इसको फाइल कर सके। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक दिन में जो है कि वहाँ पे 10,000 केस फाइल होते हैं तो वो 100 केस भी नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था काम। फिर धीरे धीरे फाइलिंग की प्रोसेस आसान की गई तो थोड़ा आया, तो कभी पता चला कि चल रहा है, अचानक से पता चला कि नेटवर्क इशू आ गया, जैसे आपने केस पास ओवर कर दिया अब आप एक महीने बाद आएगा तो। और दूसरी बात क्या होती है, करने में एक फील आता है, जब जज सामने होता है और हम सामने होते हैं तो हम एक फील के साथ अपनी बातों को बता पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि
ऑनलाइन भी ये बहुत अच्छा था इस वजह से कि कुछ नहीं से एक तरीके से पता चला कि हाँ दूर दूर से जो है ना कि एक पर्सन का काम होने लगा, और धीरे धीरे हमें लगता है कि कभी इन फ्यूचर में कुछ आया तो हम घर से बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है ना ऑनलाइन का, कि हमें लगता है कि एक हाइब्रिड चलना चाहिए। अब आप बताइए हाई कोर्ट यहाँ पे कितना दूर है, अगर आप चाहें कि हम बैठ के फिरोजाबाद वहाँ से कोई एडवोकेट चाहे और वो वहाँ के बार के मेंबर तो वो वहाँ से बहस कर सके। ये ऐसा हो रहा है अभी कोरोना खत्म होने के बाद? बंद कर दिया इन्होंने, अब बंद कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सभी कर्नाटका में बहस कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, यहाँ बहस कर लेते हैं। तो हाइब्रिड मैनर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए दूरी बहुत मायने रखती है। आपको लोकल अगर काशी में केस फाइल करना आपके लिए आसान होता है, लेकिन अगर आपको कहा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाके फाइल करिए तो आप 50 बार सोचेंगे, और मैं 95% लोग रुक जाते हैं, नहीं जाते। तो ऑनलाइन कुछ मामलों में अच्छा है, इसकी व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, हम लोग को भी ढालना चाहिए खुद को, तो कुछ मामलों में बेहतर है, कुछ हद तक चलना भी चाहिए, लेकिन ये वॉलेंटरी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी आपने एडवोकेट महिमा कुशवाहा जी से कानून के मुद्दे पर बहुत सारी बातचीत सुनी, उम्मीद है आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।